हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं ब्लॉगो मेडिकल और मैं हूं विवेक, फर्स्ट एमबीबीएस स्टूडेंट एट नायर मेडिकल कॉलेज मुंबई। तो जैसा कि आपको पता ही है, फिलहाल चल रहा है मॉनसून और इसका असर हम इंस्टाग्राम पर बहुत अच्छे से देख सकते हैं। कोई इंसान कहीं दूर पहाड़ों पर अपनी गीली बाहें फैलाकर अपनी गीली सी फोटो इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर रहा होता है। तो कुछ ऐसा ही हुआ हमारे साथ। हम भी गए थे ट्रैक पर, करनाला फोर्ट एंड करनाला बर्ड सेंचुरी, और हम 10, 20 या 30 लोग नहीं गए थे, हम लेके गए थे पूरी की पूरी सेंचुरी। तो सोचिए कितना मजा आया होगा। हमारा ट्रैक ऑर्गेनाइज किया था नायर के फिटरेको क्लब ने। सो आई वुड लाइक टू थैंक फिटरेको क्लब फॉर दिस अमेजिंग एक्सपीरियंस। तो चलिए बिना किसी देरी के देखते हैं ट्रैक पर क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। चलिए शुरू। तो यहाँ से होती है हमारे ब्लॉग की स्टार्टिंग। जैसा कि आप देख ही सकते हैं, टेक्निकल एरर है। तो जैसा कि आपको पता था, हमारा ट्रिक जाने वाला है। ये है आम जिंदगी। तो अभी टाइम हो रहा है फिलहाल 5:45 और हम सब लोग यहाँ पे नायर के कैजुअल्टी के बिल्डिंग के सामने खड़े। तो हमने बैग में बहुत सारी चीजें ली थी। ये ट्रिक हमारा नायर के ऑफिशियल ट्रिक क्लब ने अरेंज। ये है मेंटोस जिंदगी, ये कॉफी और ये मेरे दोस्त। ये तो बस तूफान आने से पहले की शांति थी, अभी तूफान आना तो बाकी। तो हम सबके लिए दो बसेस एकदम रेडी थी। अब ये जो जनाब आप देख रहे हैं, ये सिर्फ अपने बंदों को बस के अंदर भरने में लगे थे, बाकियों को तो ये जगह भी नहीं दे रहे थे। देखिए, अपनी आंखों से देखिए। वैसे बसेस तो दो थी, लेकिन मेरे पास वीडियो सिर्फ एक बस का है क्योंकि मैं इस बस में था। अब आप इन सब के प्यारे प्यारे चेहरों पर मत जाइएगा, ये सिर्फ दिखते शरीफ है, असल में है नहीं। फिलहाल तो हम नाश्ता करने में व्यस्त है, इसलिए कुछ आपको दिख नहीं रहा है। चलिए देखिए आगे आगे होता है क्या। चलिए अब खाना तो देख लिया, थोड़ा ना जाना भी देख लेते हैं। इन लोग को नाश्ता देखकर नागिन ने आत्महत्या कर ली। तो ये सब नाच गाना होने के बाद हम पहुंचे हमारी लोकेशन पे। अब इनकी यहाँ पर एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, आप जितना प्लास्टिक ऊपर लेकर जाते हैं उतना ही प्लास्टिक आपको नीचे साथ में लेकर आना होता है। तो ये रही हमारी TNMC मुंबई की 2021 बैच। करनाला फोर्ट एंड करनाला बर्ड सेंचुरी मुंबई से सिर्फ 2 आवर्स की दूरी पर है, तो अगर आप ट्रैक प्लान कर रहे हैं तो करनाला फोर्ट विल बी वर्थ इट, सो प्लीज ट्राई इट वंस। तो जैसा कि आप देख ही सकते हैं, सब लोग कितने खुश लग रहे हैं क्योंकि ये हमारा फर्स्ट ईयर का फर्स्ट मोस्ट ट्रैक था। जैसे ही हमने अंदर एंट्री मारी, बारिश ने हमारी वाट लगा डाली। वैसे तो हम लोग साथ में छाते, रेनकोट, फर्स्ट एड किट्स, मेडिसिन, बिस्किट्स, वेफर्स और न जाने क्या क्या लेकर रहे थे। ट्रैक पर जाने का असली मजा सिर्फ मानसून में आता है, तो अगर आप ट्रैक प्लान कर रहे हैं तो सिर्फ मानसून में जाइएगा, बहुत मजा आएगा।
ट्रैक पर व्हाइट शूज जैसे चाय में डिपके हुए बिस्किट्स, इसलिए ट्रैक पर व्हाइट शूज मत लेकर जाइएगा। बादलों के ऊपर ये देखिए, इतना प्यारा व्यू मिलता है ना ऊपर से कि क्या बताऊं आपको। चारों तरफ हरियाली थी, घने बादल छाए थे, हल्की सी बरसात हो रही थी और हल्की ठंडी हवा चल रही थी। वाह, क्या मजा आ रहा था। हमारे ट्रक क्लब ने हम सबके लिए डिनर भी अरेंज किया था।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. स्टे ट्यून्ड फॉर द अपकमिंग वीडियोस. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय बाय.